चलो मान लेते हैं कि आपका बजट सिर्फ 25,000 रुपए एक नए लैपटॉप बाय करने के लिए, एंड आपको एकदम ही बढ़िया सा लैपटॉप चाहिए जो कि आपके कुछ साल तक इजीली चल जाए, लंबे टाइम तक। अब देखो ऑनलाइन आपको कई सारे ऐसे लैपटॉप मिल जाएंगे जो कि एक्चुअल में 20,000 के हैं, बट उनका जो प्राइस टैग है वो 25,000 रुपए होगा। तो क्या आपको वैसे लैपटॉप बाय करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 25,000 के बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप बताऊंगा जो कि हम 2024 के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं, एंड इस बजट के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं एंड उसी के साथ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भी है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि टोटली वर्थ इट है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है लिनोवो का V15 लैपटॉप। ये एकदम ही लेटेस्ट लैपटॉप है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड AMD की लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर हमें इसके अंदर दिया गया। 25,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। AMD एथलॉन सिल्वर 7120U प्रोसेसर मिल जाएगा, 5000 सीरीज का, 2 कोर 2 थ्रेड्स। लैपटॉप के अंदर हमें लेटेस्ट रैम मिल जाती है LPDDR5 8GB की। इस प्रोडक्ट के अंदर देखो मैक्सिमम लैपटॉप के अंदर आपको DDR4 रैम मिलेगी, बट इसके अंदर हमें लेटेस्ट रैम दे रखी है जो कि इस लैपटॉप का काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ में 512GB की SSD, 15.6 इंचेस की फुल साइज डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले है, AMD की रेडियन 610M ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और तो इस लैपटॉप के अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, एक USB टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, 2 USB टाइप A, HDMI, 3.5mm जैक एंड साथ में ईथरनेट पोर्ट दे रखी है। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। अगला आगे लिनोवो V15 लैपटॉप। अब ये मेरी वीडियो का सबसे सस्ता लैपटॉप है, ये भी अभी इसी साल लॉन्च हुआ है, सिर्फ 23,500 रुपए इसका करंट प्राइस है। इंटेल सेलेरॉन N4500 प्रोसेसर मिल जाएगा, बढ़िया प्रोसेसर है, सारे बेसिक काम इजीली हैंडल कर लेता है प्रोसेसर, आपके जितने भी डेली डे टू डे टास्क हैं वो इजीली हो जाएंगे इसके ऊपर। और अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज के लिए आपने लैपटॉप बाय करना है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, ये सब कुछ इसके ऊपर इजीली हो जाएगा, मल्टीटास्किंग ये लैपटॉप इजीली कर लेगा। 8GB की रैम मिल जाती है, 2933 MHz वाली, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, 256GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, FHD डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर, 250 nits की ब्राइटनेस। इसके अंदर जो हमें ग्राफिक्स मिल जाते हैं वो है इंटेल के UHD, 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 35 वॉट आवर्स की बैटरी दे रखी है इसके अंदर। प्राइवेसी शटर कैमरा आपको इसके अंदर भी दिया गया है, एंड पोर्ट्स को चेक करते हैं तो 3.5mm जैक, HDMI, ईथरनेट पोर्ट दे रखी है, एक USB टाइप सी एंड 2 USB टाइप A, ये सारी पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो, इस पीरियड का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। देखो बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको HP का लैपटॉप भी मिल जाएगा, दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर के साथ ही सेम रैम दे रखी है। स्टोरेज की बात करें तो HP वाले की डबल स्टोरेज है, 512GB की SSD दे रखी है उसके अंदर, एंड एक चीज का डिफरेंस है कि HP के लैपटॉप के अंदर हमें MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। तो अगर आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ज्यादा स्टोरेज चाहिए, साथ में MS Office चाहिए, तो आप HP के लैपटॉप को बाय कर सकते हो, दोनों के बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं बिजनेस लैपटॉप की जो कि है Acer का 114 बिजनेस लैपटॉप, 25,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। Ryzen 3 प्रोसेसर मिल जाएगा, 3250U, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का प्रोसेसर है, 2 कोर 4 थ्रेड्स, 8GB की रैम है, 256GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, 32GB तक हम इसकी रैम एक्सपेंड कर सकते हैं, 14 इंच के डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप है, एकदम ही कॉम्पैक्ट साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है, HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, AMD की रेडियन ग्राफिक्स, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया इसके अंदर, एक USB टाइप सी, 2 USB टाइप A, एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगी, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, यानी कि हर एक पोर्ट आपको इसके अंदर भी दे रखी है। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, Acer का लैपटॉप है, बिजनेस लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो इसे भी आप। नेक्स्ट इज चूवी का कोरबुक X, ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। देखो ये जो ब्रांड है ना चूवी, ये लैपटॉप की कैटेगरी में नया ब्रांड है, बट एक चीज है कि वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इसका, 25,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। i3 का प्रोसेसर मिल जाता है, इंटेल का 10th जनरेशन, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, आपके जितने भी प्रोफेशनल काम है ये प्रोसेसर इजीली हैंडल कर लेगा। एक चीज करके देखते हैं, दैट इज कंपैरिजन। अभी तक के वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे हैं ना, उन सबके साथ कंपैरिजन आपके सामने है। मल्टीटास्किंग सबसे बेस्ट इसके अंदर हो जाती है, एंड सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इस प्रोसेसर के अंदर मिल जाती है। 8GB की रैम है, 512GB की SSD, इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, 14.1 इंचेस की FHD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाती है। देखो इस प्रोडक्ट के अंदर ना आपको दूसरा एक्चुअली कोई भी लैपटॉप नहीं मिलने वाला जिसके अंदर IPS डिस्प्ले मिल रही हो, वो भी फुल HD प्लस, तो ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है कि लैपटॉप की डिस्प्ले आपको दी बेस्ट मिलती है इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। 280 निट्स की ब्राइटनेस, NTSC 70% है, टोटली बेस्ट डिस्प्ले इसकी। इंटेल की USD ग्राफिक्स, 46.2 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही हमें 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बैकलिट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, एक USB टाइप A, एक USB टाइप C, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट एंड साथ में 3.5mm जैक। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। अब बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो इस प्रोडक्ट का सबसे बेहतरीन लैपटॉप रहेगा आपके लिए, दैट इज Acer Extensa 15 लैपटॉप। देखो इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 26,000 रुपीज, बट इसके अंदर हमें सब कुछ एकदम ही लेटेस्ट मिल जाएगा। Ryzen 3 प्रोसेसर है, 7320U, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला, लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, एंड मेरी इस वीडियो का सबसे पावरफुल प्रोसेसर ये वाला है, हैंड्स डाउन। सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने है,
सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है 8GB की रैम, जो कि लेटेस्ट है LPDDR5 5500 मेगाहर्ट्ज़ वाली। एक तो इसके मेगाहर्ट्ज़ ज्यादा 5500 मेगाहर्ट्ज़ है, एंड इसकी जो रैम है ना वो लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखी है। एंड जो इसकी स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो लेटेस्ट, Gen 4 SSD मिल जाती है 256GB की। देखो Gen 4 SSD की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है ना वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। तो सिंपल चीज है कि लैपटॉप के अंदर हमें प्रोसेसर से लेकर रैम एंड स्टोरेज ये सब कुछ एकदम ही लेटेस्ट मिल रहा है। इस लैपटॉप को आप डेली यूजेज के लिए बाय कर सकते हो। स्टूडेंट हो, कोडिंग करना चाहते हो, वेब डिजाइनिंग होगी, फोटोशॉप, अकाउंटिंग, लाइट ओकेजनल गेमिंग करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारे काम इस लैपटॉप के ऊपर इजीली हो जाएंगे। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले भी फुल साइज दे रखी है लैपटॉप के अंदर, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 65 वॉट का अडैप्टर, 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। फुल साइज कीबोर्ड दिया गया अलॉन्ग विद नमपैड। 2 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती है। सबसे बढ़िया लैपटॉप अगर आपको इस बजट के अंदर मिल रहा है तो ये वाला आप इसे जरूर कंसिडर करो। बिल्कुल डिटो स्पेसिफिकेशन के साथ आपको एक दूसरा लैपटॉप मिल जाएगा जो कि लिनोवो का है। उसके अंदर हमें स्टोरेज ज्यादा मिल जाती है 512GB की। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों लैपटॉप एक दूसरे के अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। अगर आप लिनोवो को प्रेफर करते हो तो उस ब्रांड का लैपटॉप भी मैंने आपके लिए कवर कर दिया, आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। उसका भी बेस्ट वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखो लिंक्स तो आपको सभी लैपटॉप्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो ये चीज समझो Acer Extensa 15 लैपटॉप मेरे अकॉर्डिंग डी बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेटेस्ट प्रोसेसर रैम एंड स्टोरेज मिल रही है आपको। और अगर आपने राइजन प्रोसेसर बाय नहीं करना, आप इंटेल लवर हो, चूवी का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर है और लिनोवो का V15 इंटेल सेलेरॉन N4500 वाला। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।